हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। आज से मैंने न्यूज ऑफ वर्सेस नाम का एक सेगमेंट शुरू किया है अपने चैनल पर, जिसमें मैं पूरे वीक के सुपर हीरो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज को कवर करूंगा। एंड अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा तो आपको ये न्यूज ऑफ वर्सेस नाम का सेगमेंट मेरे चैनल पर एवरी वीक संडे को देखने को मिल जाएगा। टुडे मैं फैंटास्टिक फोर मूवी, सुपरमैन इन ब्लैक एडम कन्फर्म, कॉन्स्टेंटाइन मूवी के सीक्वल से रिलेटेड अपडेट एंड इनके अलावा और भी अमेजिंग अपडेट्स देने वाला हूँ। सो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज या अपडेट मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूं मैं अपने इंफॉर्मेशन का पिटारा। सबसे पहले तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से शुरू करते हैं, जहां हमें ये अपडेट मिला है कि एमसीयू से फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए डायरेक्टर मैट सैकमैन को हायर कर लिया गया है, जो कि ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ये न्यूज एक ट्रस्टवर्दी सोर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। इसके अलावा डेडलाइन वालों की माने तो इस मूवी के लिए जेफ कैपलिन एंड एयन स्प्रिंगर को फैंटास्टिक फोर मूवी की स्टोरी राइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो हाँ, अब ये क्लियर हो गया है कि फाइनली फैंटास्टिक फोर मूवी की शूटिंग अगले साल से शुरू हो जाएगी एंड कुछ दिनों में मूवी के कास्टिंग से रिलेटेड अपडेट्स भी हमें मिल जाएंगी। आपको बता दूं कि इस मूवी को 8 नवंबर 2024 का रिलीज डेट दिया गया है। अगली न्यूज ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी से रिलेटेड है, जहां ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी से एक लीगो फिगर निकल के आया है, जिस लीगो फिगर में वकांडा फॉरएवर मूवी से ब्लैक पैंथर की कैरेक्टर विदाउट मास्क देखने को मिल रही है, जिसे देखकर अब ये फुल्ली कंफर्म हो गया है कि इस मूवी में शुरी की कैरेक्टर ही ब्लैक पैंथर के फॉर्म में देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले लीक लीगो फिगर में हमें ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर देखने को मिला था, लेकिन इस लीगो फिगर में ब्लैक पैंथर को अनमास्क दिखाया गया है, जिससे ये अब फुल्ली कंफर्म हो गया है कि शुरी की कैरेक्टर ही ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में ब्लैक पैंथर के आइडेंटिटी में देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि इस मूवी की रिलीज डेट इसी साल 11 नवंबर का रखा गया है, जिसमें अब सिर्फ एक से डेढ़ महीना ही बचा हुआ है। अगली न्यूज एमसीयू से सी हल्क शो से रिलेटेड है। इस वीक आई सी हल्क शो के एपिसोड 6 के एक सीन में शो के मेन विलन को टीज किया गया है, जो कि रूमर्स की माने तो मार्वल कॉमिक्स से द लीडर्स का कैरेक्टर हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये मार्वल कॉमिक्स का कैरेक्टर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड जीनियस विलन है मार्वल का। इस विलन को एमसीयू में देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। आपको बता दूं कि रूमर्स की माने तो लीडर्स एंड मॉडॉक जैसे विलन हमें कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी में देखने को मिल सकते हैं। अगली न्यूज है एमसीयू से डेयर डेविल से रिलेटेड, जहां D23 एक्सपो के बाद एमसीयू में डेयर डेविल के रोल को प्ले करने वाले एक्टर चार्ली कॉक्स का ये इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जहां जब एक रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि क्या एमसीयू में डेयर डेविल बॉर्न अगेन का शो नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल के शो के स्टोरी को कंटिन्यू करेगी, तो चार्ली कॉक्स ने रिप्लाई में पहले तो यही कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने ये बताया कि जैसा कि शो का नेम रखा गया है डेयर डेविल बॉर्न अगेन, तो हो सकता है कि ये डेयर डेविल का बिल्कुल नया शो होने वाला है, जिसका मतलब अब तो ये साफ हो गया है कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन शो डेयर डेविल के कैरेक्टर का रीबूट होने वाला है। जिसके बाद फिर उसी रिपोर्टर ने जब डेयर डेविल को एवेंजर्स टीम में होने की बात की, तो चार्ली कॉक्स ने ये जवाब दिया कि एज एक्टर वो तो चाहते हैं कि एमसीयू में डेयर डेविल का कैरेक्टर एवेंजर्स के साथ टीम अप करे, जो कि उनके लिए एक प्लेजिंग एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि डेयर डेविल का कैरेक्टर एमसीयू के फ्यूचर में हमें एवेंजर्स के साथ टीम अप करता हुआ दिख सकता है। आपको बता दूं कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन शो का कोई एग्जैक्ट रिलीजिंग डेट तो नहीं दिया गया है, बट इतना कंफर्म कर दिया गया है कि ये शो हमें ईयर 2024 में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले डेयर डेविल का कैरेक्टर हमें सी हल्क के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाला है। अगली न्यूज मिस मार्वल से रिलेटेड है, जहां एमसीयू की तरफ से मिस मार्वल शो के सीजन 2 को कंफर्म कर दिया गया है, जो न्यूज फिलहाल तो अनऑफिशियल है, लेकिन कुछ दिनों में इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि आपको बता दूं कि ये न्यूज भी एक ट्रस्टवर्दी सोर्स की तरफ से निकल कर आ रही है, जहां सीजन 2 में सीजन 1 के डायरेक्टर्स आदितुल अरबी एंड विलाल फलाह की इन्वॉल्वमेंट को भी टीज किया गया है। वैसे इस मिस मार्वल के शो के सीजन 2 का कोई रिलीज डेट से रिलेटेड अभी तक तो कोई अपडेट निकल कर नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शो मोस्ट प्रोबेबली हमें एमसीयू के द मार्वल्स मूवी के बाद ही देखने को मिल सकती है, जहां द मार्वल्स मूवी के बाद कमाला खान यानी कि मिस मार्वल की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। अगली न्यूज एमसीयू से गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी से रिलेटेड है, जहां जेम्स गन ने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी से ये पिक्चर शेयर करते हुए ये बता दिया है कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर दी गई है। आपको बता दूं कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी में ये वाले गार्जियंस की टीम
हमें लास्ट टाइम देखने को मिलने वाली है, जिसके बाद जब गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी सीरीज की अगली मूवी आएगी तो उस मूवी में गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के टीम में बिल्कुल नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि इस मूवी का रिलीज डेट 5 मई 2023 का दिया गया है एंड मैं पर्सनली भी इस मूवी सीरीज को काफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं तो फुली एक्साइटेड हूं इस मूवी के लिए। अगली न्यूज DCEU से निकलकर आ रही है, जहां DCEU ने कॉन्स्टेंटाइन मूवी के सीक्वल को कंफर्म कर दिया है, जिस मूवी का फर्स्ट पार्ट हमें आज से 15 साल पहले देखने को मिला था, जिसमें कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर के रोल में हमें कियानो रीव्स जैसे सुपरस्टार देखने को मिले थे। जी हाँ, ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि कॉन्स्टेंटाइन मूवी के सीक्वल में कियानो रीव्स फिर से कॉन्स्टेंटाइन के रोल में देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दूं कि जिस टाइम में कॉन्स्टेंटाइन की फर्स्ट मूवी आई थी, उस समय कियानो रीव्स की लुक बिल्कुल डिफरेंट थी, जहां उनके बाल छोटे थे एंड वो काफी यंग भी थे, जिस कारण वो उस समय तो कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर के रोल में बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। लेकिन आज के टाइम में कियानो रीव्स DCEU के कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि DCEU वाले कैसे कियानो रीव्स को कॉन्स्टेंटाइन के रोल में फिर से फीचर करते हैं। नेक्स्ट अपडेट भी DCEU से रिलेटेड है, जो कि मेरे हिसाब से इस पूरे वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, जहां केसी वॉस यानी कि द कॉमिक्स किड जैसे सोर्स ने अपने सोशल मीडिया पर ब्लैक एडम मूवी के एक सीन के कुछ लाइन को लीक कर दिया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा भी होगा, जहां ब्लैक एडम किसी कैरेक्टर को ये कह रहा है कि इस प्लेनेट पर ऐसा कोई नहीं है जो उसे रोक सकता है। लेकिन जिस कैरेक्टर से वो बात कर रहा है, उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के तरफ से ये रिप्लाई आता है कि चलो अच्छा है कि मैं इस प्लेनेट से बिलोंग नहीं करता हूं। जिस कॉन्वर्सेशन से ये समझ में आ जाता है कि ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर ब्लैक एडम से बात कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि हेनरी कैवल का सुपरमैन का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि सुपरमैन भी किसी दूसरे प्लेनेट का ही है, जो अपडेट एक तरह से हेनरी कैवल के सुपरमैन को ब्लैक एडम मूवी में होने की कंफर्मेशन दे देता है। दोस्तों, मैं पर्सनली भी ये चाहता हूं कि ब्लैक एडम मूवी में हमें हेनरी कैवल का सुपरमैन देखने को मिल जाए। तो ये थे इस वीक के सुपर हीरोज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अपडेट एंड अब से हर संडे को आपको मेरे चैनल पर न्यूज ऑफ वर्सेस के सेगमेंट में सुपर हीरोज से रिलेटेड अपडेट्स एंड न्यूज मिलती रहेंगी। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय इट। टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।